नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। ये अपाची 4B है, TVS अपाची 4B BS6 मॉडल है। इसमें हजार फ्लासर लगाना है, ये देख रहे हैं, ये फ्लासर है, इसमें फिटिंग करना है बिना कोई वायर कट किए हुए। इनका कहना है कि कोई वायर कट नहीं कीजिएगा और ऐसे ही लगाना है इसमें, तो मैं इसमें बिना वायर कट किए हुए लगाऊँगा। तो सबसे पहले लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पैनल खोलेंगे क्योंकि मुझे एक मेन वायर की ज़रूरत होगी। तो ये पैनल को हमने खोल दिया है, तो इसका मेन वायर लेने के लिए हमें ये ब्रेक स्विच से भी हम ले सकते हैं, ये ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच से भी हम इसका कनेक्शन ले लेते हैं, ले सकते हैं, या यहाँ पर फ्लेशर लगा हुआ है यहाँ से भी कनेक्शन लेते हैं। दोनों में मेन करंट आता है चाबी ऑन होने के बाद, तो हम फ्लेशर से ले लेते हैं क्योंकि फ्लेशर बाहर में लगा हुआ है। तो चलिए हम फ्लेशर से करंट ले लेते हैं वायर लगा कर। देख रहे, फ्लेशर से एक वायर निकाल दिए हम मेन करंट, जो ऑरेंज कलर का है वो मेन करंट है इसका अपाची का। इसे हमने एक वायर निकाल कर यहाँ से देख रहे हैं, ये अंदर से मैं ले गया हूँ इसे ताकि नज़र ना आए। ये फ्लासर से यहाँ से मैं वायर ले गया, अंदर से ले गया ऊपर, ऊपर यहाँ ये फ्लैशर में मैंने लगा दिया, ये फ्लैशर में हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका नेगेटिव वायर जो है, पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, जो मेन वायर हम लेकर आए हैं उसे पॉजिटिव में, फ्लैशर का पॉजिटिव में डाल देते हैं, ये रेड वाला में। यहाँ पर एक हम स्विच लगाएंगे क्योंकि फ्लैशर के लिए एक हमें स्विच डालना पड़ेगा। तो स्विच लगाने के लिए क्या करेंगे, हम ये ब्लैक वाली वायर को एक वायर ले जाएंगे ऊपर हैंडल के पास। देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली वायर में एक वायर जोड़कर हम लंबा कर इसे ले गए हैं टंकी के नीचे से। ये टंकी के नीचे से हम इसका वायर देख रहे हैं, यहाँ से पीला वायर यहाँ से हम ले गए हैं इसे सीधा हेडलाइट में। ये इसका हेडलाइट में मैं लेकर आया हूँ इसे, यहाँ से ऊपर ले आए हैं। ये नेगेटिव वाला वायर है फ्लासर का और यहाँ पर हम इसे स्विच में कनेक्ट कर दिए हैं। स्विच में इसे एक वायर में, स्विच का एक वायर में मैं जो फ्लासर का लाइट है उसे लेकर आया हूँ और स्विच का दूसरा भाग मैं यहाँ अर्थ दे दिया बॉडी अर्थ जो सॉकर में है। समझ गए होंगे आप, स्विच का एक भाग बॉडी अर्थ और दूसरा भाग सीधा फ्लासर में। ठीक है, मैं इसे अंदर से ले गया हूँ ताकि वो बाहर से नज़र ना आए। देख रहे हैं, मैं यहाँ इसे टेपिंग कर अंदर कर दूँगा, टैपिंग कर दूंगा इसे। चलिए इसे हम टैपिंग कर लेते हैं, टैपिंग करके अंदर कर दिए, इसे हम टैपिंग करके अंदर कर दिए। वायरिंग आप डिटेल में समझ रहे होंगे, मैंने क्या किया, स्विच में स्विच का एक वायर सीधा मैं फ्लैशर में ले गया और एक बॉडी अर्थ दे दिया, ये स्विच है। अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करके देखते हैं, यहाँ साउंड आएगा कट कट का, स्विच का कट कट का वायर अगर आवाज़ नहीं आ रहा मतलब कहीं लगता है कट गया इसका वायर। चलिए मैं इसे जोड़ लेता हूँ चेक करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसमें पूरा लाइन आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ये वाला वायर, ये नेगेटिव वाला वायर जो मैं स्विच में लेकर गया हूँ, तो इसमें बॉडी अर्थ दे देना है हमें। और ये वाला जो दो वायर आप देख रहे हैं, इसे एक राइट इंडिकेटर में, एक लेफ्ट इंडिकेटर में, दो पीला वाला जो वायर है उसे एक राइट इंडिकेटर में देना है, एक लेफ्ट इंडिकेटर में देना है। तो उसका सॉकेट को निकाल कर हम तार को उसमें डाल दिए, तार वगैरह कट वगैरह नहीं किए, कोई भी वायर कट नहीं किए हैं, ये देख रहे हैं, एक इसमें डाल दिए हैं। और दोनों में मेन, इसमें देख रहे हैं बैगनी कलर का है और उसमें ग्रीन कलर का है, लेफ्ट में बैगनी और राइट में ग्रीन, देख रहे हैं। ये दोनों वायर को मैं फ्लेशर में डाल दिया, दो जो आउटपुट फ्लेशर का निकला हुआ है पीला येलो वाला वायर, पीला कलर का, इसे हम डाल दिए और डालकर इसे हम अंदर कर देते हैं। कनेक्शन आप समझ गए होंगे, मेन तार हमने डायरेक्ट फ्लासर से दिया, नेगेटिव वायर हम स्विच से दिए हैं, स्विच का एक वायर नेगेटिव बॉडी में और दूसरा स्विच का वायर सीधा रिले में, और उसका दो पीला वायर जो आउटपुट है वो लेफ्ट इंडिकेटर में और राइट इंडिकेटर में। समझ गए होंगे आप डिटेल, मैं इसका चेक कर लेता हूँ, ये सारा लाइट जल रहा है, सही जल रहा है, अच्छा जल रहा है, और इसे ऑफ़ कर हम इंडिकेटर जला सकते हैं। ये इंडिकेटर, इसे ऑफ़ करने के बाद ये इंडिकेटर काम करेगा, लेफ्ट राइट दोनों इंडिकेटर काम करेगा, और उसके बाद इसे डालेंगे तो ये हैजर्ड लाइट का काम करेगा फ्लैशर का। तो अभी गाड़ी के साथ जो बल्ब लगा हुआ था वही बल्ब जल रहा है, मेरे पास LED नहीं है, LED ख़त्म हो गया, मैं जाऊँगा तो मैं इसमें LED लगाऊँगा, इनका बाइक में LED लगाना है क्योंकि दो दिन हुआ ही बाइक का। देख रहे हैं काम कर रहा, फ्लैशर अच्छी तरह से काम कर रहा, और कोई भी वायर को हमने कट नहीं किया, बाहर से वायरिंग करके हमने इसे जला दिया। देख रहे हैं, ये 16 तरह का
16 तरह का इसमें ट्यूनिंग है, 16 तरह का ये जलेगा 16 राउंड में। और वायरिंग आप डिटेल में समझ गए होंगे क्या क्या करना है, बहुत ही इजी है वायरिंग करना और बिना कोई तार कट किए हुए आप घर पे भी लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ।